राम मंदिर निर्माण के लिए भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने वेतन से 1,11,111 रुपए दिए। साध्वी प्रज्ञा ने कहा, राष्ट्रभक्तों ने विवादित ढांचा गिराकर देश का गौरव लौटाया है। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपने वेतन से 1,11,111 रुपए दान दिए। इसके अलावा भारत भक्ति अखाड़े की संस्थापक होने के नाते उन्होंने अखाड़े की तरफ से 11,11,111 रुपए सहायता राशि दी। गौरतलब है कि सांसद प्रज्ञा आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी पूर्ण चेतनानंद अवधेशानंद गिरी अखाड़े की संस्थापक हैं। सांसद प्रज्ञा ने कहा, जिस राम मंदिर के लिए कई पीढ़ियों ने अपनी आहुति दी है, तब जाकर मंदिर निर्माण का समय आया है। कुछ राजनीतिक दल के लोग राम के अस्तित्व को लेकर तरह तरह की बात करते हैं। ऐसे में राष्ट्रभक्तों ने विवादित ढांचा गिराकर देश का गौरव लौटाया है। जब ढांचा गिराया गया था, तब मैं वहीं मौजूद थी। इसमें विश्व हिंदू परिषद का योगदान सबसे अधिक सराहनीय रहा है। राम ने पहले राष्ट्र जागरण कराया, उसके बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। एक बच्चा भी मंदिर निर्माण में सहयोग कर रहा है। मंदिर निर्माण में अगर कांग्रेस सहयोग करती है तो अच्छी बात है। सहयोग करके कांग्रेस अपने पाप से मुक्त हो जाएगी। ऐसा है कि जिसने इतने सारे प्रयास कर लिए रोकने के, वो रोक नहीं पाए इस कार्य को। अब उन्हें धन का जब ये संग्रहण हो रहा है, संकलन हो रहा है, तो उन्हें इसमें भी पीड़ा है। यही उनके जैसा काम यानी भ्रष्टाचार कोई ना कर ले, तो मुझे ऐसा लगता है राम के कार्य में कोई भ्रष्टाचार नहीं करता। यदि उसमें मानसिकता कांग्रेसियों की भी अच्छी हो जाती है, तो वो भी सम्मिलित हो जाए, उनका ये भ्रष्टाचारी मानसिकता भी खत्म हो जाएगी, वो भी खुलकर के दान करे। और सब मार्ग आपके पास खुले हैं, डायरेक्ट भी आप भेज सकते। मैं कांग्रेसियों से निवेदन करूंगी, ऐसे विरोधियों से, वामपंथियों से और राम विरोधियों से निवेदन करूंगी, आग्रह करती हूँ और भिक्षा भी मांगती हूँ कि आप भी दीजिए दान। आपसे कहते हैं कि आप अपने बच्चे का भी सहयोग उसमें करिए। और भ्रष्टाचार की यहाँ नियत किसी की नहीं है, और भ्रष्टाचारी नियत से कोई आएगा भी तो मरीची का उसका हश्र होगा, मरीची जैसा। इसलिए प्रभु राम जी का कार्य प्रभु हनुमान जी देखते हैं, और हनुमान जी किसी को छोड़ते नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।